स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सप्लाई चेन युक्ति। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट इज सप्लाई चेन, व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड हाउ सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, ग्रुप और होम। तो आइए सभी पहलुओं को एक एक करके ध्यान से समझते हैं। सप्लाई चेन, जैसा कि हम देखते हैं कि ये दो वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है। सप्लाई जिसका मतलब है उपलब्ध कराना, आपूर्ति करना, प्रदान करना और इंग्लिश में कहें तो टू मेक इट अवेलेबल, और चेन जिसमें ब्लॉक्स की एक सीरीज आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करने पर हमको मिलता है सप्लाई चेन। कहें तो सप्लाई की एक ऐसी चेन जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके एक भी ब्लॉक को अगर हम इससे बाहर निकालते हैं या कहीं से भी ये टूट जाता है तो ये चेन बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाती है। आपस में इसका कोई लिंक नहीं रहता और जो पर्पस है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। गूगल पर जब आप सर्च करते हो व्हाट इज सप्लाई चेन, आपको अनगिनत जवाब मिलते हैं। कई तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि 10 बार पढ़ने पर भी इनका मतलब समझ नहीं आता। लेकिन हम अगर सरल भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं कि सप्लाई चेन इज ए फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल द नीड ऑफ एंड कंज्यूमर। मतलब फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन टिल इट रीचेस द एंड कंज्यूमर। और सर्विसेज फ्लो होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन। और ये सब क्यों होता है? कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। आप में से कई लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घर पर एसी का उपयोग करते होंगे। एसी अब आम लोगों की जरूरत बन चुका है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि आप तक पहुंचता कैसे है? एक मैन्युफैक्चरर मार्केट से रॉ गुड्स परचेज करता है, फिर उसको अपनी फैक्ट्री में असेंबल करता है और आगे डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटर आगे ये एसी रिटेलर को सेल करता है और फिर आप उस रिटेलर से एसी परचेज करके अपने घर ले आते हैं। अब इसको सप्लाई चेन के लहजे से समझते हैं। गुड्स पहले रॉ गुड्स मैन्युफैक्चरर की लोकेशन पर पहुंचते हैं, फिर असेंबल होकर मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर तक, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक और लास्ट में रिटेलर से एंड कंज्यूमर तक। इसी प्रोसेस को सप्लाई चेन कहते हैं, जिसका मतलब है फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन टू फुलफिल द नीड ऑफ एंड कंज्यूमर। लेकिन आपको याद होगा हमने कहा था फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप सोच रहे होंगे मैंने सर्विसेज का जिक्र तो किया ही नहीं। तो दोस्तों ये जो एसी आप तक पहुंचता है ये अपने आप तो चलकर आता नहीं होगा, इसको पहुंचाया जाता है। रॉ मैन्युफैक्चरर जब गुड्स को मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाता है तब वो किसी ट्रांसपोर्टर को हायर करता है। ट्रांसपोर्टर जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर है रॉ गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाता है। सिमिलरली मैन्युफैक्चरर ऐसी ही सर्विसेज को अवेल करते हुए डिस्ट्रीब्यूटर तक प्रोडक्ट डिलीवर करता है और डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर तक और रिटेलर एंड कंज्यूमर तक। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था फ्लो ऑफ सर्विसेज फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब आपस में एक इनविजिबल चेन से जुड़े हुए हैं। इस चेन की एक भी कड़ी को आप बाहर निकाल दोगे तो एंड कंज्यूमर की नीड को फुलफिल किया ही नहीं जा सकता। मतलब आपके घर एसी नहीं लगाया जा सकता अगर इस चेन की एक भी कड़ी टूट जाती है। सप्लाई चेन क्या है ये तो हमने समझ लिया, मगर
सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। तो आइए समझते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हमारी अगली वीडियो, जो कि इस वीडियो का पार्ट टू है। थैंक यू। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।